मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से छलांग मार मार जा मार जा मार जा वहां जैसे तो मार जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो दोस्तों, आज हम आए थे पंचकुला किसी काम से, लेकिन हमारा वो काम नहीं बन पाया। तो यार मैंने सोचा भी हमारे पास अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हैगा और मुझे सामने दिख रही थी काफ़ी ज़्यादा सीनरी है, मतलब कि सैलपुजी सीनरी। मुझे यहाँ से नहीं, जब मैं अम्बाला से चला था मुझे तभी से वो सीनरी दिख रही थी। और भाई अगर मैं आपको सीनरी दिखाऊँ ना, तो जो वो सीनरी है वो कुछ इस तरह की सीनरी है। जो हमारे ये सामने पहाड़ है, ये हमारे जो कसौली वाले पहाड़ है वो दिख रहे हैं। और जब मैं अम्बाला से चला था मुझे ये पहाड़ तभी से दिख रहे हैं। और भाई मेरा कहीं ना कहीं मन करा कि यार अब आया हूँ, अपना काम नहीं बना और अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। तो हम सीधा निकलने वाले हैं कसौली। आप भी मान के चल सकते हो कि हमारी एक तरह से संडे राइड होने वाली है। बाकी इस जो छोटा सा ट्रिप है हमारा, इससे हमारे साथ जाने वाले हैं नवी भाई। तो कैसे हो नवी भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। और नवी भाई के साथ साथ जिस एक्टिवा पर हम जाने वाले हैं वो एक्टिवा 125 2016 मॉडल, इसको भी हम देखने वाले हैं भी जो ये एक्टिवा है क्या ये वहाँ पर चढ़ पाएगी या नहीं। वैसे अगर वेट की बात की जाए तो नवी भाई का जो वेट है वो कम से कम 90 केजी के आसपास है, और वहीं जो मेरा वेट है वो मेरा 80 केजी के आसपास वेट है। तो ये भी देखने वाले हैं हम भी हमारी जो एक्टिवा है क्या हमें लेके चढ़ पाएगी या नहीं। अगर ये एक्टिवा हमें वहाँ तक लेके चढ़ गई तो आप मान के चल सकते हो भी हमारी जो आगे थोड़ी सी ट्रैवलिंग वीडियो रहने वाली है, फिर संडे राइड वीडियो, वो हम आगे हर संडे लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो हम फटाफट पहले चलते हैं, इस रोडो करते हैं कवर और मिलते हैं आपको सीधा पहाड़ों पर। कसौली जाने के लिए हमारा सफर शुरू होता है पंचकुला से, और साथ ही जो कसौली का रोड है वो सारा का सारा 4 लाइन बना हुआ है। और उसके साथ ही जब हम पंचकुला से निकलते हैं थोड़ी दूर बाद जाकर ही हमें जो पंचकुले का टोल टैक्स है वो मिल जाता है, और साथ इसकी जो पर्ची है वो नॉर्मल 60-70 रुपए के आसपास की रहने वाली है। अगर आप बाइक पर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप आसानी से इसको पार कर सकते हो। और साथ ही इस टोल को पार करने के बाद आपकी फाइनली जो हिमाचल है उसके अंदर एंट्री हो जाती है। और साथ ही जब हम हल्का सा चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें कौशल्या डैम दिख जाती है, और साथ ही जो उसका व्यू है वो काफ़ी अच्छा व्यू है। और साथ ही इसके अंदर जो पानी है वो भी काफ़ी भरा हुआ है इस टाइम, लेकिन ज़्यादातर टाइम इसमें पानी कम ही रहता है। और साथ ही जो पहाड़ है उनके ऊपर हल्के हल्के जो बादल है वो छटे हुए हैं, जिस कारण जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी है वो भी स्टार्ट हो रही है। और साथ ही इस क्रोड को पार करते ही जो हिमाचल का गेटवे है वो हमें मिल गया, और यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आकर फोटो उतरवाते हैं। और उसके साथ ही जब हम इस गेटवे को पार करते हैं तो इसके बाद हमारी एक छोटी सी पर्ची कटती है जो कि हिमाचल एंट्री की होती है, और ये हर गाड़ी वाले ये ट्रक वाले को कटानी पड़ती है। लेकिन अगर आप बाइक पर हो तो आपको ये पर्ची कटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आज थोड़ा रश ज़्यादा है यहाँ पर। और साथ ही जब हम परवानू वाले रास्ते पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो रोड है वो सिंगल रोड है, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम चल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर पुल बन जाएगा तो ये भी डबल हाईवे बन जाएगा। बाकी ये छोटा छोटा सा ही पैच है, 400-500 मीटर का पैच है जो कि सिंगल रोड वाला, इसके बाद हमें जो डबल रोड है वो मिल जाएगा। तो अभी तक हमने 24 किलोमीटर कवर कर लिया है और हम आ चुके हैं पहाड़ियों की इन वादियों में। भाई मौसम देखो यार, मतलब कितना शानदार हो रहा है। अगर मैं बताऊँ ना, जब मैं पंचकुले में था तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आज मौसम इतना शानदार हो चुका है, क्या वो क्या बताऊँ, हल्की हल्की ठंड लग रही है। तो नवी भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके इतने अच्छे मौसम में? एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वादियाँ और पहाड़ होते हैं इनकी एक खास बात ये होती है कि यहाँ पर आकर जो इंसान है ना अपनी सारी टेंशनें अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाता है, और यहाँ पर आकर बस इन पहाड़ों का होके रह जाता है। ये बात हमने सीखी जब नीचे थे, गर्मी लग रही थी, पता नहीं क्या क्या दिमाग चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके दिमाग एकदम शांत हो गया है। बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। और जैसा कि आप सामने देख रहे हो वादियों को, इनको देख के अलग ही फील आती है। और अभी भी वादियाँ कुछ नहीं है, अभी हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना है। ऊपर जाके आप मान के चलो एकदम पहाड़ की चोटी पे, हमने वहाँ तक जाना है पहाड़ की चोटी पे, और वहीं पर आपको दिखाएंगे कि भाई जो जन्नत है ना हिमाचल की, जो जिसे कहते हैं जन्नत, वो क्यों कहते हैं हिमाचल को जन्नत। बाकी बाइकें हमें एक से एक देखने को मिल रही हैं। ये सबसे बढ़िया सीन हो रहा है कि एक के बाद एक बाइकर आ रहे हैं, और सुपर बाइक, सारी की सारी सुपर बाइक। 10 मिनट यहाँ रेस्ट करने के बाद हम आगे अपने रूट पर चल रही है, और साथ ही जैसे जैसे हम रास्ते पर
जलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। वैसे वैसे ही जो मौसम है वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया था और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इस टाइम जो नज़ारे थे वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक हो गए थे। और उसके साथ ही जो हल्की फुल्की लैंडस्लाइड थी वो भी हमें दिखनी स्टार्ट हो गई थी, बल्कि हल्की फुल्की तो मैं इसे नहीं कहूँगा, थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लैंडस्लाइड हो रखी है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें डर भी लग रहा था, लेकिन डर अपनी जगह है और सारी जो वादियाँ हैं वो अपनी जगह हैं। तो थोड़ा सा आगे निकलने के बाद हमें एक लोकेशन दिखी, लोकेशन ऐसी है अभी यहाँ पर जो थोड़ी रेल की पटरी है छोटी वाली वो हमें दिखाई दी है और हम यहाँ पे जाने वाले हैं, जाके देखते हैं जो फोटो फोटो जो है वो खिंचवाते हैं। और वो रहे अपने वहाँ पीछे नवी भाई। तो जो व्यू है हमें कुछ इस तरह का दिखा है, ये जो छोटी रेल की पटरी है ये यहाँ पर बिछी हुई है काफ़ी लंबी, जो कि अम्बाला तो यार मैं खुद रहता हूँ अम्बाला, जो कि कालका शिमला हाईवे को, भाई कालका शिमला ट्रेन रोड को जोड़ती है भाई। हल्की वल्की मिस्टेक हो रही है लेकिन भाई समझ रहा है, फीलिंग ही ऐसी है कि भाई पहाड़ में आ गया ना एकदम, मन के मन खुश हो जाता है। बाकी ये रही छोटी सी गुफा और उसके अंदर हम जाने वाले हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें दिखा यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल, छोटा सा कहूँगा छोटा सा वाटरफॉल, बाकी इसके अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा आने वाला है। और ये बैठ गए नवी भाई फोटो खिंचवाने के लिए। तो गाइस अब हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि यहाँ पर होने वाली है और मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने आज तक वो चीज़ नहीं देखी, लिटरली बता रहा हूँ। बट अभी हम दोनों वो चीज़ देखने वाले हैं, हम एक्चुअली निकलने वाले थे यहाँ से, मैंने शुभम भाई को बोल दिया कि चलते हैं ऊपर लेट हो जाएंगे, बट तभी एकदम से क्या हुआ हमने उस साइड देखा कि वहाँ से ट्रेन आ रही है और हम बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन की पटरी के सामने खड़े हैं। फासला देखिए कैसे मिस कर सकते थे हम लोग, फासला देखिए वो कितना का जोर लगे, अगर 10 से 15 फीट का फासला होगा और ट्रेन वहाँ से निकलेगी और हमारे सामने से निकल जाएगी और हम ये सिर्फ आपको लाइव दिखाने वाले हैं। हम निकल चुके थे यहाँ से निकल, वो मेरी एकदम आँख पड़ी, मैंने कहा यार वहाँ से कोई चीज़ आ रही हो, देखा कि वहाँ से छोटी ट्रेन आ रही है, देखी तो आते कभी मैंने भी नहीं है पहले यार, इसलिए मैं रुक गया, बाकी 2-3 मिनट वेट करिए और यहाँ से जो ट्रेन है वो आपको निकलते दिखेगी। कुमारे मुंडी कैसे लगा? Guys, it was so amazing. उस ट्रेन के बारे में मैंने जितना सुना था वो अच्छी है बहुत, और हम जल्दी ही उसके अंदर का भी एक ब्लॉग लेके आने वाले हैं स्पेशल आपके लिए आई थिंक नेक्स्ट मंथ पक्का। तो ये ट्रेन को देखने के बाद जो हमारा डेस्टिनेशन थी उसकी तरफ हम आगे की तरफ बढ़ गए और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे जो मौसम था वो काफी अच्छा हो रहा था। बाकी कुछ देर बाद जो कसौली का मेन चौक था वहाँ पर हम पहुँच गए थे और साथ ही जो यहाँ पर व्यू था वो काफ़ी अच्छा था, जो बादल थे वो पहाड़ों पर गिरे हुए थे और साथ ही जो ये जगह है ये अभी इतनी ऊंचाई पर जगह नहीं है, हम अप्रोक्स जोर लगा 3 से 4 हज़ार फुट की ऊंचाई पर थे, लेकिन भाई जो रोड था उसका जो वेदर था वो काफ़ी अच्छा वेदर था और साथ ही इतने अच्छे वेदर के अंदर हम कसौली जा रहे थे। बाकी जो कसौली का रास्ता था वो यहाँ से कटेगा, इस चौक से हम ऊपर की तरफ को हो जाएंगे, सर जो ये ऊपर की तरफ को रोड है ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप और छोटा रोड है।
जैसे जैसे हम कसौली के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे ही हमें कसौली भी दिखना स्टार्ट हो गया था। वो जो आपको ऊपर चोटी दिख रही है वहाँ पर ही है मंदिर और हमने वहीं पर जाना है। वहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है और साथ ही अगर किस्मत रही तो वहाँ पर हमें जो बादल है वो भी मिल सकते हैं। बाकी जो रोड है वो काफ़ी अच्छा रोड है। जो ये रोड है ये है तो रोड सिंगल है, लेकिन आप गाड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हो भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर कितना आया हुआ है। ये जगह ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है लेकिन यहाँ सर्दियों में कई बार बर्फबारी भी मिल जाती है। और साथ ही जो ये रोड है तो दोस्तों ये हम खड़े हैं कसौली में, वैसे तो कसौली ऊपर है पर हमारा मन यहीं से हो चुका है पूरा। बाकी भाई व्यू देखो यार, व्यू देखो आपकी दिखाऊंगा किसे, ये व्यू देखो यार, ये बदल पूरा छटा हुआ है वहाँ पे भाई, पूरे पहाड़ों पर बदल फैला हुआ है। ये पोंगल नहीं दिखानी मैंने, ये देखिए पीछे, ये भाई ये मौसम बड़ा कातिलाना हो रखा है यार। नहीं भाई यहाँ पर आपको आपको कैसा लगा अभी? मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से छलांग मार जा, मार जा मार जा वहाँ जैसे तो मार जा बहुत देखो नॉन सेंस भाई, दिल्ली से लोग आ रखे यार, दिल्ली से इतना ट्रैफिक जाम हो रखा है यहाँ पे, लोग मतलब मानते ही नहीं है आना भी जाना भी, पूरी दोनों रोड ब्लॉक पड़ी है और ऊपर से ब्लॉक प्लस भाई बारिश हो रखी है और लैंडस्लाइड हल्की फुल्की हो रखी है। एक्टिवा चलानी थोड़ी सी मुश्किल थोड़ी सी हो रही है पर भाई कोई दिक्कत नहीं, बाहर इस जन्नत को देखने के लिए इतना सब तो बनता है। बाकी थोड़ी सी देर यहाँ पे उतारते हैं फोटोज, उसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों कसौली हम आ चुके हैं, मतलब कि हम नेट कसौली नहीं पहुँचे, यहाँ से जो कसौली है वो 8 किलोमीटर जो कि वहाँ पे आपको दिखता होगा, वो ऊपर जो हरचल की वो दिख रहा है वहाँ पे कसौली है, हम वहाँ तक नहीं जा रहे क्योंकि भाई हमने भी बैठे हुए जो हमने प्लान है उसको डिसाइड करा है, मतलब जो हमारी टाइमिंग रहने वाली है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमें कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा और वहाँ जाके आधा पौना घंटे आप माना कि चलो भी हमें घूमने में लगेगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें 5 बजे तक, हमें पंचकूले 4:30 बजे तक, अभी 4 बजे तक हमें पहुँचना ही पहुँचना है। तो हमने अभी यही सोचा है कि हम यहीं से जो वापस हमारा अपना घर का रास्ता है वहीं को जाएंगे। बाकी जो हमारा रास्ता है हम ये सारा ऐसे घूम के इस रोड पर आने वाले हैं जिस रोड से अभी हम आए हैं। बाकी यार अभी हम खाली आधे रास्ते तक इस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो काफ़ी कम है। हम पंचकूला से निकले थे हमें यही था भी हम 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में बारिश मिली, हम रुके भी कहीं जगह, लेकिन भाई क्या करूँ जब मौसम ही ऐसा शानदार होना तो रुकने का तो बनता ही है। बाकी यहाँ अब से पूरे 11 से 12 दिन बाद अब एक और नया व्लॉग आएगा जिसके अंदर एक तो कसौली और एक जो सोलन है उसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो तब हमारे पास पूरा दिन होगा, तो हम पूरा दिन के अंदर जो जो हमसे एक्सप्लोर हुआ हम वो करने वाले हैं। बाकी नवी भाई आपको कैसा लगा अभी तक यहाँ पर आके? अमेजिंग फीलिंग है भाई, एक तो दूसरी बात जब हम ऐसे सीनरीज देखते हैं ना जहाँ पर बादल जो हैं वो पहाड़ों के आगे आए हुए होते हैं और उनको देख के जो दिल होता है वो ऐसा करता है कि भी हम उस तरफ जाएं, वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें अपनी ओर बुला रहे हैं कि हम उनकी तरफ जाएं जाएं जाएं। बट कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हम घर जो हमारी हमारा ये प्लान जो था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल था, हमने कुछ भी सोचा नहीं था कि हम ऐसे ब्लॉगिंग करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे। एकदम सडनली हम पंचकूला आए थे किसी काम से एंड वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगने वाला था, तो जो शुभम भाई हैं उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ऐसे करते हैं, हम ऊपर घूमने चलते हैं। तो देन मैंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, हम चलते हैं, हमारे पास मस्त टाइम है, दो तीन घंटे पड़े हैं, हम जा सकते हैं ऊपर कसौली, जा सकते हैं कसौली, हम कवर कर सकते हैं, अपनी ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं इवन। लेकिन जो हमारा ये सोचना था अभी हम कवर कर लेंगे, ये हमारा थोड़ा सा जो हमारी टाइमिंग की प्रॉब्लम थी वो आ गई, क्योंकि अगर हम बीच में ना रुकते तो शायद हम कवर कर भी लेते, तो कहीं ना कहीं यार टाइमिंग का एक थोड़ा सा पॉइंट रहा है यहाँ पे। बट नेक्स्ट टाइम आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि हम एक्स्ट्रा टाइम लेके साथ में चलेंगे, हम सब कुछ सेट करके अपना टाइम सेट करके हमने कौन कौन सी लोकेशन कवर करनी है, कौन कौन से व्यूज़ आपको दिखाने हैं, यहाँ से भी दिखाने हैं और ऊपर सोलन जाके वहाँ से भी दिखाने हैं, तो अगला ब्लॉग जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। थैंक यू सो मच वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी हो तो वही हमें नीचे कमेंट कर देना, हम आपके लिए स्पेशल जो संडे व्लॉग है वो लेके आए करेंगे। बाकी जो हमारी दूसरी वीडियो है भाई, उनको तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना। बाकी फ्रेंड्स, जो यार ये व्यू है ना, सच बता रहे हैं, इस व्यू को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन भाई जो टाइम है ना वो बहुत ही कुत्ती चीज़ है, सच बताऊँ जो मैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें हमारी और नई वीडियोस देखने के लिए। नीचे कमेंट जरूर करें, यही हमारे काम आने वाले आगे इन वीडियोस में। थैंक यू सो मच।